हेलो एवरीवन, आज हम एक्सोरा प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये प्लांट मैंने 2 हफ्ते पहले नर्सरी से नहीं ख़रीदा था, ऑनलाइन से ख़रीदा था। और आज मैं इसे 2 हफ्ते बाद, जब भी मेरे घर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो चुका है, तो मैं इसे गमले में लगाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज़ ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने गमले में हमेशा 2 या 3 ड्रेनेज होल बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उससे कम ड्रेनेज होल बनाए तो शायद पानी निकलेगा ही नहीं बाहर, इसलिए मैं हमेशा 2 या 3 या उससे थोड़ा ज़्यादा भी, कभी कभी 4 भी ड्रेनेज होल बना देती हूँ अकॉर्डिंग टू दी पॉट साइज़। तो प्लीज़ आप ड्रेनेज होल का ध्यान रखें। सबको लगता है छोटी सी तो चीज़ है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ पॉटिंग मिक्स। एंड फॉर पॉटिंग मिक्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 50% ऑफ सॉइल, 20% ऑफ रिवर सैंड एंड 30% ऑफ काउडंग। मैं मोस्टली काउडंग इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काउडंग बहुत चमत्कारी चीज़ है। बस मुझे बहुत पसंद है काउडंग, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास काउडंग नहीं है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि सॉइल मॉइस्ट हो, नमी होनी चाहिए सॉइल में, ना कि सॉइल बहुत ज़्यादा गीली हो, उसमें पानी ठहर रहा हो, ऐसा ना हो। वेल ड्रेनिंग हो और एसिडिक हो। एक्सोरा प्लांट को मिट्टी थोड़ा एसिडिक हो तो उनको पसंद आता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नींबू के छिकल, आप चाय पत्ती और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सोरा प्लांट को सनलाइट कितनी चाहिए। वेल, एक्सोरा प्लांट को आप डायरेक्ट 5 to 6 hours की सनलाइट में रखें। जितना ज़्यादा आपका एक्सोरा प्लांट सनलाइट रिसीव करेगा, उतना ही ज़्यादा वो फ्लावरिंग भी करेगा। बस ध्यान रखें कि हॉट समर डेज़ में आपका प्लांट डायरेक्ट आफ्टरनून सनलाइट ना ले, उसको आप उस टाइम पे फिल्टर सनलाइट दें, वरना वो आपके प्लांट की लीव्स को जला देगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रूनिंग की। जितना ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे, इसका ये मतलब नहीं बहुत हैवी प्रूनिंग कर दें आप। एक्सोरा प्लांट स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो आप प्लीज़ बहुत हैवी प्रूनिंग भी ना करें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी ब्रांच दिख रही है जो डेड है, इन्फेक्टेड है और जिसमें कोई लीव्स ही नहीं है, आप ऐसी ब्रांचेस को काट दें। इससे आपके प्लांट में नई ब्रांचेस निकल कर आएंगे और आपका प्लांट ज़्यादा बुशिया, ज़्यादा घना बनेगा। और अपने प्लांट की प्रूनिंग लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग में करें, ये बेस्ट टाइम है आप अपने प्लांट को जब प्रून कर सकते हैं। आप अपने एक्सोरा प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिएगा 3 महीने में 1 बार। इससे जो पेस्ट और डिजीज़ हैं वो आपके प्लांट से दूर रहेंगी और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, उसे कोई भी पेस्ट और डिजीज़ का कोई ख़तरा नहीं होगा। वेल, अब बात करते हैं एक्सोरा प्लांट को पानी कितना चाहिए। एक्सोरा प्लांट को नमी तो बहुत पसंद है, लेकिन उसे बहुत गीली मिट्टी नहीं पसंद है, तो आप ओवर वाटरिंग करने से बचें। और इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने सॉइल के ऊपर की लेयर को देखें। अगर ऊपर की परत सूखी है तो ही आप पानी दीजिए, वरना आप पानी मत दीजिए। अगर उसमें नमी बनी हुई है तो आप पानी देना अवॉइड कीजिए। ये प्लांट कैसा ग्रो करता है, मैं इसके आगे वीडियो एक अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट।